एसएससी फेस 12 की परीक्षा अब कंप्लीट हो चुकी है। ये 20 तारीख 21 तारीख 24 तारीख 25 तारीख 26 तारीख जून में हुई थी। अब जब ये एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है तो आप सभी ये भी जानना चाहते होंगे कि फेस 12 में एग्ज़ाम का लेवल कैसा था और किन किन जगहों से कितने कितने क्वेश्चन आए थे, कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो ये सब बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा और ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अब जल्द ही 1 जुलाई से 11 जुलाई तक एसएससी सीएचएसएल 2024 का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो इस एग्ज़ाम से एक आइडिया लग जाएगा कि सीएचएसएल के पेपर का लेवल क्या होगा और इसमें कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे और इसे कट ऑफ किया जा सकती है। तो बात कर लेते हैं एसएससी फेस 12 के पेपर के लेवल के बारे में। जो 5 दिन में पेपर हुए थे एसएससी फेस 12 के, वो पिछले साल के फेस 11 के तुलना में थोड़े ईजियर साइड पे थे, मतलब कि पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का था, जिससे कि फेस 12 का कट ऑफ जो है थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। कट ऑफ ऊपर जाने का एक और रीज़न ये भी होगा कि इस बार पिछले साल के मुकाबले फेस 12 में वैकेंसी लगभग 1000 कम आई थी। जो पेपर का पैटर्न दिखा उससे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पता चले हैं, जैसे कि इस बार मैथ्स में एसएससी का ज़्यादा फोकस टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, अल्जेब्रा और सिंप्लीफिकेशन पे था। रीजनिंग में एसएससी का ज़्यादा फोकस कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस एंड फाइंड द मिसिंग नंबर पे था। जीके में इस बार 25 में से 20 से ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन से थे और इंग्लिश में इस बार एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग पर ज़्यादा फोकस था। इसके अलावा लास्ट में एक पैसेज दिया गया था जिसे 5 क्वेश्चन थे, वो हर शिफ्ट में थे। क्योंकि अब सीएचएसएल भी इसके तुरंत बाद ही हो रहा है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि यही पैटर्न सीएचएसएल में भी रिपीट हो और उसका भी लेवल इजी टू मॉडरेट हो। अगर ऐसा होगा तो सीएचएसएल की कट ऑफ इस बार 155 से 160 के बीच में होगी। तो आप फेस 12 में ज़्यादा पूछे गए टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा। और ऐसी और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स।